हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और अभी मैं चल पड़ा हूँ मेरे नेक्स्ट सफ़र के लिए। और आज रात मुझे हावड़ा से अहमदाबाद जाने वाली जो एक्सप्रेस है उससे मैं आनंद डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हूँ। आनंद जंक्शन है और वहाँ पे मुझे कुछ काम है, मतलब मेरे एक दोस्त की शादी है, वो मुझे अटेंड करने के लिए जाना है। पर अभी मैं कितना, अभी 6 बज चुके हैं, मैं शेगांव स्टेशन पे हूँ और गाड़ी रात को 1 बजे आने वाली है। गाड़ी लेट है और मैं वहाँ पे मुझे चेकआउट करना था, मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता था वो रूम पे, तो इसलिए मैं थोड़ा खाना खा के शेगांव स्टेशन पे आया हूँ और अभी मुझे 7 आवर्स स्टेशन पे ही वेट करना है। तो प्लीज़ गिव मी योर कंपनी फॉर 7 आवर्स। तो दोस्तों, रात के 7:30 बज चुके हैं और मुझे अभी सुमित भैया का फ़ोन आया था। सुमित भैया है मेरा हैदराबाद का रूम पार्टनर और उसी की शादी है आनंद में, गुजरात में। तो वो है अभी नागपुर में, वो उसी ट्रेन से अभी इधर आएगा और उसकी गाड़ी शेगांव से आनंद को जाएगी। तो वो अभी है नागपुर पे, अभी आधे घंटे में गाड़ी आने वाली है और मैं हूँ शेगांव में और रात को यहाँ पे 1 बजे गाड़ी आने वाली है। ये देखा दोस्तों, रात के 11:15 बज चुके हैं एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माई ट्रेन। तो सुमित भाई ने बोला था कि उसको कचौरी चाहिए, तो मैंने उसके लिए कचौरी भी लाया, स्टेशन के अपोजिट ही वो शॉप है। तो अभी बस मैं वेट कर रहा हूँ आती जाती ट्रेनों को, दूसरी ट्रेनों को देख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ यार। आप तो सो गए होंगे अच्छे से, है ना? अभी 11 बज रहे हैं, मतलब 12-1-2 घंटा और बाकी, और 2 घंटा मैं क्या करूँ और मोबाइल को भी कितना यूज़ करूँ मैं, क्योंकि चार्जिंग अभी 50% ही रह गई मोबाइल की। क्या करूँ। ये देखो, सारे लोग मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। सेंड ऑफ के लिए आए। और कितने बज रहे हैं देखो, 12 लगभग 12 बज चुके हैं। कहाँ जा रहे हो आप? नागपुर बैक टू रिटर्न। कौन से ट्रेन से? सेवाग्राम। सेवाग्राम लेट है? बहुत लेट है, 2 घंटे लेट हो गए। हाँ, मेरी भी ट्रेन 2 घंटा लेट है। आपकी कौन सी? वो अहमदाबाद एक्सप्रेस। हाँ। क्या बात है। और बाकी आधे लोग कहाँ पे गए? आओ भाई आओ। इतने देर तक कहाँ पे थे? मैं 6 बजे से था। क्या बात है। हाँ, आप गए नहीं अभी तक? नहीं, 1 बजे ट्रेन है। कौन सी वाली? अहमदाबाद एक्सप्रेस। सो फ्रेंड्स, रात के 1 बज चुके हैं और अभी अनाउंसमेंट हो गया है ट्रेन का, तो ट्रेन आ रही है अभी और फाइनली मैं मेरे सीट पे जाऊंगा और सो जाऊंगा अभी। चाय बोला गर्मा गर्म। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी ये गाड़ी सूरत से निकल चुकी है और मैं अभी उठा हूँ और कितने बजे मुझे नहीं पता। अच्छा, 8:12 हो गए अभी। और दोस्तों, एक बहुत अच्छी बात है कि ये ट्रेन ने पूरा जो टाइम है ना वो कवर कर लिया है, मतलब 2 घंटे से देरी से जो चल रही थी ट्रेन अभी वो ऑन टाइम चल रही है। सुमित भैया ने मुझे बुलाया है S1 में, मैं हूँ अभी S9 में, तो अभी शायद वो अंदर से ही मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, वाओ, कितना सुंदर नजारा है ये।
स्पेशल ट्रेन है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, इस ट्रेन का मेरा रिजर्वेशन कंफर्म नहीं था तो वो आखिर में चार्ट पेपर हुआ और उसके बाद वो आरएसी आया। मतलब आरएसी मतलब सिर्फ मैं एक सीट पर मतलब बैठ के सफ़र कर सकता हूँ, पर सुमित दादा की इस ट्रेन में 20 सीट्स कंफर्म थे तो उसने मुझे एक सीट दे दिया, तो बहुत बढ़िया रहा। तो मुझे पूरी बर्थ मिल गई सोने के लिए। लेना मेरा कैमरा देता, 108 मेगापिक्सल का कैमरा देता हूँ। तुम्हें कैसा लग रहा है मुझे थोड़ा इंटरव्यू तो दो। वो तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है तू। नहीं, कल शादी है तुम्हारी। हाँ तो रुक गया, अभी बात नहीं करते। अच्छा चेहरा साफ कर रहे थे, फिर बात। वडोदरा में क्या अच्छा मिलता है? वडोदरा में साड़ी की फैक्ट्री, यहाँ पे देखने लायक स्पॉट्स है, यूनिवर्सिटी यहाँ की फेमस है। ओके ओके, फ्रेंड्स ये आनंद है, आनंद आ गया है। और यहाँ पे अभी कल सुमित भैया की शादी है तो यहाँ से सीधा हम अभी होटल जाने वाले हैं सारे लोग। तो आशा करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू देन, बाय बाय।